आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन से इज, इनमें से आपके कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये आपसे पूछा गया, राइट? सो फर्स्ट कह रहे हैं कि आपका जिंक और कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन होता है, सो कोई रिएक्शन जो होती है वो आपकी अकर करती है, राइट? सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास आपको कंपाउंड्स के बना और उनके बीच में आपसे पूछा गया कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, राइट? सो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, एक चीज समझनी होगी, मतलब आपको एक क्या है, आपको टर्म समझनी होगी, दैट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज, राइट? सो देखो, आपको समझना आना चाहिए कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज। सो रिएक्टिविटी सीरीज में आपके पास क्या होते हैं कि आपके पास एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास अरेंज होते हैं इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, राइट? मतलब आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपके पास एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। कहने का मतलब है, इसमें हम हाइड्रोजन को बेसिकली हम क्या है, रेफरेंस लेकर चलते हैं, फाइन? हाइड्रोजन को हम रेफरेंस लेकर चलते हैं। सो होता क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर लिखती हूँ, सो हाइड्रोजन के ऊपर आपके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आपका क्या होता है, लेड, दैट इज Pb आपके पास प्रेजेंट होता है। आपके पास क्या होता है, अदर एलिमेंट्स लाइक जिंक आपका प्रेजेंट होता है। आपके पास क्या होता है, एल्यूमिनियम आपके पास प्रेजेंट होता है, राइट? और यहीं पर हाइड्रोजन के नीचे आपके पास होते हैं कॉपर हो गया, Ag हो गया और Au हो गया, राइट? सो जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में प्रेजेंट है। सो कहने का मतलब है कि देखो, लेड आपका क्या है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट में से, बट हाइड्रोजन लेड को नहीं कर सकती, फाइन? सिमिलरली हाइड्रोजन कॉपर को कर सकती है, बट कॉपर हाइड्रोजन को नहीं कर सकती, राइट? सो ये बेसिक चीज आपको बतानी चाहिए, फाइन? सो अब देखो, यही बेसिस जो है यहाँ पर आपका यूज होने वाला है। सो आप देखोगे कि जब हमने जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई, सो रिएक्शन अगर अकर होती है, सो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर, राइट? सो मतलब जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज में देखती हूँ, सो आपका जो जिंक है वो आपका क्या है, अबव इन द टॉप मोस्ट, मतलब आपके पास क्या है, अबव इन द सीरीज प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो जिंक जो होगा वो आपका इजिली है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बिकॉज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में होता है, सो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, सो इसलिए ये रिएक्शन तो हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जिंक, और जब हम जिंक और Al2SO4 थ्राइस की रिएक्शन कराते हैं, सो रिएक्शन नहीं होती। इसका मतलब है कि जिंक जो है वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रही है। सो देखो, ये बात भी सही है, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो जिंक के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब एल्यूमिनियम तो जिंक को कर सकता है, बट जिंक एल्यूमिनियम को नहीं कर सकता, राइट? सो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट थी, सेकेंड भी आपकी क्या है, करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट बतानी है, फाइन? अब आपका नेक्स्ट कह रहे हैं कि रिएक्शन अकर होगी जब आपके पास क्या, जिंक और AgNO3 रिएक्ट करेंगे, मतलब जिंक क्या Ag को डिस्प्लेस कर सकता है, सो ये बना लेगा ZnNO3 प्लस आपके पास क्या Ag डिस्प्लेस हो जाएगा। सो देखो, आप अगेन समझ सकते हो कि अगर मैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखूंगी कि तो जिंक जो है वो आपका क्या है, टॉप मोस्ट सीरीज में आपके पास क्या प्रेजेंट है, और यहीं पर आपका जो Ag है वो बिलो द सीरीज प्रेजेंट है, मतलब Ag लेस रिएक्टिव हुआ जिंक से, इसलिए ये रिएक्शन भी क्या होगी, आपका क्या होगा, अकर होगा, राइट? सो क्योंकि जिंक जो है वो Ag को आपको क्या है, डिस्प्लेस कर पाएगा, फाइन? सो मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब जिंक और PbNO3 की रिएक्शन होती है, सो रिएक्शन जो है वो नहीं होती। सो देखो, आपको एक चीज समझनी होगी कि जिंक हमारे पास ये प्रेजेंट, राइट? और अगर मैं Pb की बात करती हूँ, सो Pb देखो बिलो जिंक प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका, अगर मैं फोर्थ की बात करती हूँ, सो फोर्थ में हमने ये डिड्यूस करा कि आपका जिंक जो है वो आपका क्या है, मोर रिएक्टिव है देन लेड। आपका पीबी से ज्यादा रिएक्टिव है, अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक, और जब आपका जिंक PbNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, सो ये आपका बना लेगा ZnNO3 प्लस लेड जो होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन डज अकर, राइट? उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है आपका लेड से, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी, बिकॉज वो बोल रही है कि रिएक्शन नहीं होगी, फाइन? और हमें यही बताना था, सो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।